हेलो बेटे, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड ऑल्सो योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो क्या किया था? कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। इफ यू हैव नोट रिटन इन योर नोटबुक देन राइट डाउन दैट कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन क्या था? इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सर्फेसेस। कैसे निकाला था हमने? F प्रोपोर्शनल था किसके? नॉर्मल रिएक्शंस के, वेयर F इज द फ्रिक्शनल फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, F क्या था? लिमिटिंग फ्रिक्शन था। R क्या था? नॉर्मल रिएक्शन था। तो जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था उसको आप कैसे कह सकते हो, इसको डिफाइन कर सकते हो? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मे बी डिफाइंड एज ये देखो यहां से आया कैसे था। जब आपने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया था तो क्या लगाया था? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इक्वल के साथ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एंड व्हाट इज इट? एफ बाय आर, वेयर एफ इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सर्फेसेस। योर नोटबुक मस्ट बी कंप्लीट। ठीक है, आपके नोट्स बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। अब ये डिपेंड किस किस पर करता है? द न्यू डिपेंड्स ऑन फर्स्ट नेचर ऑफ द सर्फेसेस। नीचे दिखाई तो देता है ना, देगा ना भाई आपको। और सेकंड है मैटीरियल ऑफ द सर्फेसेस इन कॉन्टेक्ट कि जो दोनों सर्फेसेस कॉन्टेक्ट में हैं वो किस मैटीरियल के बने हुए हैं। ठीक है, ये हमने कल के लेक्चर में कर लिया था, बस ये नोट डाउन नहीं किया था आप लोगों ने, तो इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। ठीक है, अगर कुछ रह जाता है तो वो आप लोग नोट डाउन पक्का कर लीजिए अपनी नोटबुक में। ठीक है, इसके साथ ही फिर हमने क्या देखा था कि दैट इफ बॉडी इज रोलिंग और मूविंग ऑन द अनदर सरफेस देन दिस कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कन्वर्ट्स इनटू कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड इन दैट केस वी रिप्रेजेंट दैट बाय म्यू के, एंड म्यू के इक्वल्स टू एफ के बाय आर। नॉर्मल रिएक्शन डोंट चेंज बिटवीन द टू सर्फेसेस बिकॉज इट इज फिक्स एंड इक्वल टू वेट। इन वन केस, इन वन कंडीशन इट विल बी फिक्स्ड, इन फर्दर कंडीशन वी विल सी इन आवर कमिंग लेक्चर्स। एंड हियर एफ के, व्हाट इज एफ के हियर? इट इज क्या है? फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यहां पर जो एफ के है वो क्या हो गया है? काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर बॉडी स्लाइड कर रही है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, और अगर बॉडी रोल कर रही है दूसरी बॉडी के ऊपर तो क्या हो जाएगा? रोलिंग फ्रिक्शन। सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज अवर कंप्लीटेड। कुछ एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो आपकी वैल्यूज है उनकी वो आपकी बुक में दे रखी है, देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके पास वो आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, सो हियर वी हैव अ सरफेस एंड हियर अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस। यहां पर एक बॉडी रखी हुई है इस सरफेस के ऊपर, तो बॉडी का वेट किधर लगेगा? एम जी। नॉर्मल रिएक्शन कहां पर लगेगी? इस तरह से आर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसके नाम में ही है नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस। अब फ्रिक्शन कहां पर लगेगा? अगर यहां पर इस डायरेक्शन में बॉडी मूव करना चाहती है, ठीक है, कोई भी फोर्स है पी या फिर कुछ भी फोर्स लगा लो आप, कुछ भी नाम दे दो उसका, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, बिल्कुल लगेगा, कोई मना नहीं कर सकता इस चीज में। ठीक है, तो यहां पर दो फोर्सेस लग रहे हैं एक ही ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट पर दोनों फोर्सेस लग रहे हैं। अब ये दोनों फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट अगर हम देखना चाहें तो वो किधर होगा? ठीक है, हम क्या देखना चाहते हैं? आर का और एफ का रिजल्टेंट देखना चाहते हैं। ठीक है, अब जब आर का और एफ का रिजल्टेंट देखना चाहते हैं तो वो इस तरह से आएगा कुछ, वैसे ही दोनों बैलेंस हैं। ठीक है,
मान लेते हैं आप लोगों की बात कि ये दोनों क्या है, बैलेंस से है, ठीक है। बट हम क्या कर रहे हैं, हमने ये फोर्स लगाया है, इससे हमारी बॉडी मूव करना चाहती है, मूव नहीं कर रही है, मूव करना चाहती है। तो हम देखना चाहते हैं कि इस उस वक्त जब ये मूव नहीं कर रही है, स्टेशनरी खड़ी है, तो उस वक्त इसका जो रिजल्टेंट है वो कहां पर होगा। देन कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम, तो ये क्या हो जाएगा आर, इसको आर ही नाम दे दूं मैं, रिजल्टेंट को तो आर नाम देते तो ज्यादा बढ़िया रहता है ना, इसको एन बोल दो, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन को एम बोल दो और इसको आर बोल दो, ये रिजल्टेंट है आपके पास। नॉर्मल रिएक्शन को मैंने एम से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो ये जो आर है ये क्या हो गया आपके पास, रिजल्टेंट। अब ये जो एंगल बना नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस के बीच में, इसको आप क्या कहोगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब आप बोल सकते हो कि मैडम फ्रिक्शन तो ग्राउंड और रिजल्टेंट के बीच में है, ग्राउंड के साथ एंगल बनाना चाहिए था इसका मतलब, तो क्यों नहीं बनाया। बिल्कुल सही बात है भाई, ग्राउंड के साथ बनाना चाहिए था, हो सकता है मैडम भूल गई हो जाके बुक में चेक करना पड़ेगा, है ना। तो देखो ये वाला एंगल क्यों लिया है, फ्रिक्शन को बढ़ाने से। अगर हमने यहाँ पर फ्रिक्शन को बढ़ा दिया होता, ठीक है, इस फोर्स को बढ़ा दिया होता, थोड़ा सा और बढ़ाते हम फोर्स को तो फ्रिक्शन और बढ़ता, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, अभी हमारी बॉडी मूव नहीं कर रही है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इसको आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो जो फ्रिक्शन है वो भी बढ़ेगा। अब फ्रिक्शन बढ़ेगा तो ये मैंने इतना सा रिप्रेजेंट किया है, जब मैंने आपको वेक्टर्स पढ़ाए थे उस टाइम पे मैंने क्या बताया था कि जब आप वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं तो आप वेक्टर्स को ड्रॉ करते टाइम ये जो वेक्टर की लेंथ होती है ये क्या दिखाती है, उसका मैग्नीट्यूड दिखाती है। इन रियलिटी जब हम फर्दर हायर क्लासेस में जाते हैं तब तो हम बड़े से बड़ा मैग्नीट्यूड छोटे से एरो से दिखा देते हैं, बट उसके साथ हमें उसका मैग्नीट्यूड लिखना होता है। यहाँ पर मैं मैग्नीट्यूड लिख नहीं रही हूँ, बट मैंने इस फोर्स को और बढ़ा दिया, यहाँ से भी पहले इतना था अब मैंने इसको इतना कर दिया पी। तो ये जो मेरा ये वाला वेक्टर है ये भी इतना हो जाएगा, फ्रिक्शन भी इतना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, क्योंकि जैसे ही ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं पहुंच जाएगा तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन है और वो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है। तो जब तक ये अपनी पीक पॉइंट पर नहीं पहुंचा है, जितना आपने फोर्स लगाया वो लिमिटिंग फ्रिक्शन तक नहीं पहुंचेगा, तब तक ये बढ़ता रहेगा, ये बढ़ेगा इसके साथ साथ ये बढ़ता रहेगा, ये बढ़ेगा इसके साथ साथ ये बढ़ेगा, ठीक है। अब की बार रिजल्टेंट कहां पर बनेगा, पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, देखो अब की बार बना ये रिजल्टेंट। तो बताओ ये वाला एंगल बड़ा है या ये बड़ा है, नीचे वाला तो कम हुआ है ना। अब फ्रिक्शन के बढ़ने के साथ साथ कौन सा एंगल इंक्रीज हो रहा है, तो ये एंगल इंक्रीज हो रहा है, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिजल्टेंट, सो इट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो राइट डाउन द डेफिनेशन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन may be defined as the angle between the normal reaction and the resultant of the normal reaction and frictional force, reaction and frictional force, okay। So angle of friction आपके पास क्या होगा, वो angle जो कि normal reaction बनाती है, किसके साथ बनाती है वो normal reaction, resultant के साथ, उस angle को आप क्या कहेंगे, इस वाला ये वाला जो angle है, ठीक है, ये angle, इस angle को आप क्या कहेंगे, angle of friction, ठीक है। और इसी एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यों कहते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा आई थिंक बेटा, अब डाउट तो नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो ये था हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये एफ, ये एन और ये आर, ठीक है, इस तरह से लिया था मैंने, इधर ये क्या था पी, ये थीटा। अब मैं देखना चाहती हूँ रिलेशन बिटवीन म्यू एंड थीटा,
कि म्यू और थीटा के बीच में क्या रिलेशन होगा या एफ और थीटा के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहां से देखो, अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी डी, तो जो पैरेललोग्राम आपको पता है ये जो वेक्टर है, वेक्टर्स की क्या स्पेशलिटी होती है, वेक्टर्स कैन बी स्लाइडेड, बस कंडीशन क्या है कि उनकी डायरेक्शन और उनका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस वाले वेक्टर को मैं यहां पर मान सकती हूँ फ्रिक्शनल फोर्स, ये सेम ही होगा। तो ये जो डी सी है ये किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा। अगर आप यहां से टेन थीटा निकालना चाहें, टेन थीटा, तो वो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, एफ। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एन। तो टेन थीटा क्या आ गया, एफ बाय एन। ठीक है, टेन थीटा क्या आ गया, एफ बाय एन। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है म्यू के बराबर। सो म्यू बराबर टेन थीटा। ठीक है, म्यू और टेन थीटा में यहां से आप लोगों को रिलेशन भी मिल गया। अगर आप लोग लिखना चाहो तो यहां पर लिख भी सकते हो, इन ट्रायंगल ए सी डी टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड दैट इज एफ बाय एन। ठीक है, एन को यहां पर मेंशन कर लेना, एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। आगे तो हमें रिजल्टेंट का कहीं यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर मुझे, मैंने रिजल्टेंट को आर दिखा दिया, ठीक है, इसलिए मैंने नॉर्मल रिएक्शन को एन बोला है। ध्यान रखना, आप लोग अपनी और भी नोटेशन ले सकते हो, इसको एन बोल सकते हो, इसको आर बोल सकते हो, बस माइंड में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मान आप कुछ भी सकते हो, योर चॉइस। ठीक है, तो ये हो गया है आपके पास रिलेशन बिटवीन म्यू एंड टैन, म्यू एंड थीटा। ठीक है, तो यहां से ये क्लियर हो गया है आपको लोगों के पास। अब देखो भाई, नेक्स्ट है हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। अब अगर आपसे कोई ये पूछे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन व्हाट विल यू से, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, तो क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, टेंजेंट मतलब टैन थीटा। ओके, इट मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड। नेक्स्ट है आपके पास एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। नाउ व्हाट अबाउट एंगल ऑफ रिपोज, हियर इट इज अ इंक्लाइंड प्लेन एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन इट, दिस इज द एंगल अल्फा व्हिच द इंक्लाइंड प्लेन इज मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ओके, एंगल अल्फा क्या है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस इंक्लाइंड प्लेन के साथ एंगल बना रही है उसको आप क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल एंगल अल्फा। वेट कहां पर लगेगा, एम जी इधर लगेगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कहां लगता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये क्या हो गया आपके पास, नॉर्मल रिएक्शन हो गया है। ठीक है, और नीचे की साइड हम क्या करेंगे, अब नॉर्मल रिएक्शन को आर से दिखा देती हूँ, अब तो एन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आर आर से दिखा देती हूँ। यहां पर ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा। ठीक है, अब ये अल्फा है तो ये क्या बन गया, एम जी कोस अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, एम जी साइन अल्फा। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास एम जी साइन अल्फा। आप देखो भाई, आप ये कह दोगे कि मैडम ये कैसे हो गया, तो देखो वैसे तो हम पहले भी कर चुके हैं एक बार ये, तो यहां से ये एंगल है अल्फा। ठीक है, तो यहां पर ये एंगल क्या आ जाएगा, अल्फा। कोरिस्पोंडिंग एंगल्स बन जाएंगे तो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करोगे तो। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल है ये टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, टोटल एंगल कितना है आपके पास, 90 डिग्री है। और ये जो एंगल है आपने सरफेस के साथ ये जो ड्रॉ किया है ये यहां से 90 डिग्री है, तो ये वाला जो ये अगर अल्फा हो गया तो ये जो बचेगा ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। अब ये 90 माइनस अल्फा है और ये कंप्लीट कितना है, 90, तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया तो ये कितना बचा, अल्फा बचा है। ठीक है, ये अल्फा था किस तरह से था, क्योंकि ये वाला एंगल अल्फा है, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स बन जाएंगे, कंप्लीट लाइंस ड्रॉ करोगे तब। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल है, अलग अलग डायग्राम्स में बता देते हैं। ठीक है, वैसे तो बेटा हो गया होगा, 2-3 बार पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, हो गया होगा, इतने तो बच्चे भी नहीं हो तुम, और अगर तुमने वीडियोस ढंग से नहीं देखी है दैट्स योर फॉल्ट, कि वीडियोस को स्किप करते हो, काम नहीं करते हो अच्छे से। तो ये एंगल आपके पास अल्फा है,
ये जो बना ये क्या बन गया आपके पास एम जी साइन अल्फा, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज होता है ये अल्फा, ठीक है। तो ये अल्फा क्या है, अल्फा एंगल है बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड द इंक्लाइंड प्लेन। एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल बिटवीन इंक्लाइंड प्लेन एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज दैट, कर लो दैट एंगल बिटवीन इंक्लाइंड प्लेन एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन विच द ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट्स टू स्लिप या मूव कह सकते हो, ठीक है, या स्लाइड कह सकते हो, स्लाइड बोल दो, स्लाइड करना। अब आपने किसी एक चीज के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, इसके ऊपर ये रखा है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसके ऊपर कुछ चीज रखी है, मैंने इसको यहां तक किया, नहीं गिरने लगी है चीज, इस तरफ नहीं चलने लगी, फिर मैंने इसको और ऊंचा किया, वो चीज अभी भी नहीं गिरने लगी, फिर मैंने एंगल इतना कर दिया तो चीज अपने आप ही स्लिप होना स्टार्ट हो गई। अब वो जब अपने आप ही स्लिप होना स्टार्ट हो गई तो उस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, उस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे। तो अब यहां से जो हम ये लेते हैं ना और ये यहां पर ना लेकर तुम सेंटर ऑफ मास से ले लो, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से, ओके। हम जब भी ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, जब भी इस तरह से डायग्राम बनाते हैं तो ऑलवेज जो फोर्सेस दिखाते हैं वो कहां से दिखाते हैं, सेंटर ऑफ मास से दिखाते हैं। अब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आना चाहता है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा भाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्ट कहां पर आना स्टार्ट हुआ है, नीचे की तरफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो इक्विलिब्रियम में जो जो फोर्सेस है वो लिख दो, एफ किसके बराबर होगा, एम जी साइन अल्फा की, एम जी साइन अल्फा की। जब इक्विलिब्रियम में है ऑब्जेक्ट, इक्विलिब्रियम में है मींस जब तक ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट नहीं किया है, अब ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट नहीं किया है उस टाइम तक ये क्या रहेगा, एफ किसके बराबर रहेगा, एम जी साइन अल्फा के बराबर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आर किसके बराबर रहेगा, एम जी कोस अल्फा। तो अभी मैंने हमने लास्ट लेक्चर में कहा था और थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हमेशा आर एम जी के बराबर नहीं होता है, ठीक है, एक बार जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने प्रूव भी किया था, यहाँ पर भी देखो आर किसके बराबर है, एम जी कोस अल्फा, एम जी कोस अल्फा के बराबर। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, तो क्या बचेगा आपके पास, साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा बराबर एफ बाय आर। ये मैंने इधर राइट साइड में लिख दिया, आई डोंट थिंक ये कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, छोटे बच्चों की तरह ये नहीं बोलोगे मैडम उधर लिखा था, ठीक है। साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा क्या बन जाएगा, एफ बाय आर, और ये क्या होता है आपके पास, ये होता है म्यू, तो म्यू किसके बराबर आ गया, टेन अल्फा। और अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले भी रिलेशन निकाला था, म्यू किसके बराबर था, टेन थीटा के बराबर था। तो अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, तो क्या रिलेशन आ जाएगा, द एंगल ऑफ रिपोज, सॉरी टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। और यहां से इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर अ पर्टिकुलर स्पेयर ऑफ सरफेस क्या मिल रहा है हमें, टेन अल्फा बराबर टेन थीटा, ठीक है। और यहां से क्या मिल रहा है, एंगल ऑफ रिपोज बराबर एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा, ठीक है। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन के साथ, तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता है तभी तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ रिपोज भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा देर तक इसको ऊपर तक पकड़ कर रख सकता है, ज्यादा हो गया तो वो ज्यादा देर तक इसको पकड़ के रख सकता है ना, तो एंगल ऑफ रिपोज भी थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो आई थिंक ये यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब देखो भाई नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास वो क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। अगर कोई हमारे पास रफ इंक्लाइंड प्लेन है और उसमें हम देखना चाहते हैं कि बॉडी किस एक्सीलरेशन के साथ मूव करेगी तो कैसे होगा, देखो अब ये एंगल है मेरे पास थीटा
और अगर बॉडी इस पर मूव करेगी, स्लाइड कर रही है, दैट मींस जो थीटा है वो किससे ग्रेटर है, थीटा इज ग्रेटर, पहले तो टॉपिक का नाम लिख लो, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। ये देखो यहां से बॉडी का वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, हियर थीटा इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, रिपोज एंड द बॉडी इज स्लाइडिंग ऑन द सरफेस, एंड द बॉडी इज स्लाइडिंग ऑन द सरफेस, बॉडी क्या कर रही है, सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही है। तो यहां से देखो ये क्या हो गया आपके पास, नॉर्मल रिएक्शन, ये नीचे नॉर्मल बन रहा है, तो ये जो एंगल है ये क्या है, थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, इट विल बी mg sin थीटा। दीज कंपोनेंट्स आई हैव टोल्ड यू इन वेक्टर एनालिसिस, यू हैव टू गो थ्रू दैट, ओके। नाउ द फ्रिक्शनल फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज द बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद अ एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन ए, ठीक है। तो जब एक्सेलरेशन ए है तो बॉडी का मास कितना माना है हमने m, तो इसका मतलब m इंटू ए, इतना फोर्स बॉडी पर किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। अब जो वेट है वो किस फोर्स से बैलेंस है, r बराबर एम जी कोस थीटा, ठीक है, अल्फा लिख दिया क्या भाई, थीटा बताते भी नहीं हो, नालायक हो तुम एक नंबर के। r क्या हो गया, एम जी कोस थीटा हो गया, ठीक है। इसके साथ ही बॉडी कहां पर मूव कर रही है, नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स कहां पर है, नीचे की तरफ है। फ्री बॉडी डायग्राम से बना सकते हो अगर आपको यहां से समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो नेट बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है तो मतलब नीचे लगने वाला फोर्स ज्यादा है, नीचे लगने वाला फोर्स कौन सा है, mg sin थीटा, माइनस ऊपर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, f, ठीक है। अब f की जगह आप क्या रख सकते हो, वी नो दैट क्या बताया हमें, f और r में कुछ रिलेशन होता है, क्या होता है जल्दी बताओ, f बराबर म्यू r, और r की वैल्यू यहां से हम पुट कर देंगे, तो ये पहले तो ये पुट करो, mg sin थीटा माइनस म्यू इंटू में r, और r क्या है हमारे पास, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, दिस एम्प्लाइज mg sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। और ये किसके बराबर है, m a के बराबर है, या इसको यहीं पर लिख दो, m a के बराबर, ओके, m से m हो जाएगा कैंसिल, तो a किसके बराबर आ गया, g sin थीटा माइनस cos ऑफ थीटा। फ्रॉम दिस रिलेशन वी सी दैट क्या देखा हमने इस रिलेशन से, दैट a इज लेस देन g, a क्या होगा, g से छोटा होगा, क्योंकि इसमें से ये sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, इसमें से कुछ ना कुछ माइनस होकर तब ही क्या होगा, g के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मींस a हमेशा क्या रहेगा, g से छोटा रहेगा, ठीक है। तो ये था आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, ओके। जब बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, और वो कब स्लाइड करना स्टार्ट करेगी, जब जस्ट एंगल ऑफ जो रिपोज है वो क्या होता है, एंगल ऑफ जो रिपोज है वो क्या हो, किससे ज्यादा हो या किससे कम हो, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा हो वो। अब देखो भाई एक्सेलरेशन आपने यहां से निकाल ही लिया है, तो देखो अगर सेकंड एक चीज और लिख लो, नोट करके दो पॉइंट्स लिख लो, ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना आपके पास वो इस टॉपिक इस पर आते हैं, कि अगर आपका जो एंगल ऑफ रिपोज है, ठीक है, जो एंगल थीटा है, थीटा लेस देन वो एंगल ऑफ रिपोज से, तो कितना आपको मिनिमम फोर्स चाहिए बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है, तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी अप, ठीक है। तो क्या होगा भाई, आपको बॉडी एक्चुअली ऊपर की तरफ लेकर जानी है, ठीक है, आप ऊपर की तरफ लेकर जाओगे तो जो
आप तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे इस पर, ये मैंने P मान लिया, ठीक है, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी अप, ठीक है, या फिर आप इसको F ही मान लो, F, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको स्मॉल F मान लो, ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, और उसका वेट भी किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, लेकिन आप उसको कहां पर लेकर जाना चाहते हो, ऊपर की तरफ लेकर जाना चाहते हो, तो मिनिमम फोर्स क्या हो जाएगा, इन दोनों के सम के बराबर होना ही चाहिए, बल्कि इनसे कुछ ना कुछ ज्यादा होगा तभी बॉडी ऊपर मूव करेगी, ठीक है। अब F के लिए हमारे पास क्या रिलेशन है, F की जगह क्या रख सकते हैं, mg sin theta plus mu r, ठीक है, और r की जगह क्या रख दूं मैं, इसको तो mg sin theta plus mu r की जगह क्या रख दूं, mg cos theta, तो क्या आ जाएगा बेटे, mg sin theta plus mu cos theta, ठीक है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर न्यूमेरिकल्स, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, तो याद रखोगे आप लोग ये, ओके। और अगर आपसे पूछे कि इस टाइम पे आपको बॉडी को नीचे पुश करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो जब आप बॉडी को नीचे पुश करोगे तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो यहाँ पर ना लगकर किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, ठीक है, आप भी इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है और mg sin theta भी नीचे की तरफ है, तो और बॉडी कहाँ मूव कर रही है, नीचे की तरफ ही बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, फाइनली बॉडी कहाँ पर मूव कर रही है, नीचे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जो फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, देखो अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम से वैसे देखें तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके बराबर है, mg sin theta प्लस में F, ये दोनों, क्योंकि F और mg sin theta एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां से अगर आपको F निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, F, और इस F की जगह मैं दो बार निकाल चुकी हूं, यहां से ये वैल्यू आएगी म्यू mg cos theta, तो आई एम पुटिंग इट डायरेक्ट हियर माइनस mg sin theta, तो इस टाइम पे F की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg को बाहर ले लो, mu cos theta minus sin theta, it will be the value of minimum force required to move the body down, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ ले work done in moving a body up a rough inclined plane, work done कितना करना पड़ेगा एक body को move करवाने के लिए, और किस तरफ move करवाने के लिए, up, ऊपर वाली side, एक inclined plane पर ऊपर वाली साइड बॉडी को मूव करवाने के लिए, ठीक है, डायग्राम को फिर से बना देते हैं, एक बार फिर से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो पहले तो देख लो वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, अगर आपको एक बॉडी को रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव करवाना पड़े तो देखो यहां पर ये है आपके पास बॉडी, आप इस पर इधर फोर्स लगा रहे हो, आप इसको मूव करवाना चाहते हो, ठीक है, अब फ्रिक्शनल फोर्स कहां पर लगेगा, बैक साइड में लगेगा, ये क्या है आपके पास आर और ये क्या है एम जी, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको P नाम दे दो जो फोर्स आपने लगाया है, और ये क्या है F फ्रिक्शनल फोर्स, तो अगर आप बॉडी को मूव करवाना चाहते हो, टू बॉडी टू बी मूव्ड, टू बॉडी टू बी मूव्ड, अगर बॉडी मूव करे तो इसके लिए हमारा जो फोर्स है, द अप्लाइड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो हमने फोर्स लगाया है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए किसके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होना चाहिए, तो यहां से, और हमें पता है वर्क डन क्या होता है, अप्लाइड फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये जो अप्लाइड फोर्स है किसके बराबर है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के, वैल्यू पुट कर दी, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को आप क्या लिख सकते हो, म्यू इनटू आर, और आर किसके बराबर है, एम जी के बराबर, तो क्या हो जाएगा, म्यू इनटू एम जी इनटू में एस, ठीक है, सो इट इज योर आंसर, ये है आपका वर्क डन इन मूविंग ओवर ए बॉडी ओवर अ रफ horizontal surface. अब अगर आपसे पूछ ले over a rough inclined plane,
रफ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, अप आ रफ इंक्लाइंड सरफेस, ठीक है। तो देखो भाई, अभी अभी हमने फोर्स निकाला था, मिनिमम फोर्स, सिर्फ उसी फोर्स को क्या करना है, एस से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो जब बॉडी ऊपर जाएगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी नीचे की तरफ, एक और कंपोनेंट था एम जी साइन थीटा, हियर इट इज थीटा, इट इज एम दिस इज एम जी, दिस इज एम जी कॉस थीटा एंड इट्स आर, और ये है आपका फोर्स, ठीक है। आप बॉडी को ऊपर की तरफ लेकर जाना चाहते हो तो आपका जो फोर्स आया था वो कितना आया था, एम जी इंटू में म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अभी हमने निकाला है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, इट विल बी योर वर्क डन। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, वर्क एम जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में एस। इसी तरह अगर आपसे पूछ ले वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी डाउन अ रफ इंक्लाइन प्लेन तो क्या आ जाएगा उस केस में, एम जी, ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें और क्लियर हो जाएगा, अभी याद रखो सिर्फ क्या था उसमें भाई, म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था ना, म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू में एस, ये डाउन के लिए है और ये अप के लिए। ये देख लेना साइन थीटा माइनस था या म्यू कॉस थीटा माइनस था, क्या होता क्या है उस केस में, एम जी साइन थीटा प्लस एफ, यही होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, नेक्स्ट हम हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स और फ्रिक्शन के बारे में कुछ एक चीजें और देखेंगे, ठीक है। आज के लिए ये सफिशिएंट है आपका।